ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बाबू भासी। आज हम आप सभी लोगों को तंत्र में मुद्राओं का महत्व बताएंगे, क्योंकि तंत्र शास्त्र में हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। यदि आप बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करना चाहते हैं, यदि आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं, तो आप मुद्राओं का उपयोग करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सिद्धियां है क्या। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिद्धियों का मतलब है कि देवी देवता हमारे नौकर बन जाएंगे, हमारे लिए पर्चा बनाएंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्धियों का मतलब है आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं या आपका मस्तिष्क उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां आपकी इच्छा मात्र से ही कार्य आपका शरीर करता है, आपका औरा करता है। बहुत लोग भ्रम फैलाते हैं कि हमने माता की सिद्धि कर ली और माता आके काम करती है। माता सिद्ध नहीं होंगी। भगवती जगदम्बा, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता ऋषि मुनि जिनकी पूजा कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए भूत भगाने नहीं आने वाली है। सिद्धियों का मतलब होता है कि मंत्र जाप में आपका मस्तिष्क, आपका औरा उस अवस्था पे पहुंच गया है कि जहां पे मंत्र की ऊर्जाओं से, मंत्र के हीलिंग से आप दूसरों को आराम दे सकते हैं। और सिद्धियों का मतलब ये है कि आप जो है उस अवस्था में पहुंच गए हैं कि जहां पे आप उस शक्ति के विषय में गहराई से नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं और उसके सूक्ष्म तत्व को जान लेते हैं। किसी भी चीज को गहरे तक, गहराई में उतर के उसे जान लेना ही उसी को सिद्धि कहते हैं। एक उदाहरण देता हूं। शेफ लोग खाना बनाते हैं, वो भी सिद्ध है क्योंकि उनको कैसे काटना है, महिलाएं खाना बनाती हैं, उनको आलू कैसे काटना है, बैंगन कैसे काटना है, पालक कैसे काटना है, उनको देखने का और मापने की आवश्यकता नहीं है। उनका चाकू उसी स्पीड के साथ उसी जगह पे गिरेगा जिस जगह पे उनको जितना बड़े बड़े सब्जी के टुकड़े चाहिए। एक टाइपराइटर रहता है, वो देखता भी नहीं है कीबोर्ड की तरह और वो टाइप करते रहता है, क्योंकि वो उस अवस्था में है, उसका मस्तिष्क उस अवस्था में है कि उसकी उंगली वही गिरेगी जहां चीज होना चाहिए। इसी को सिद्धि कहते हैं। तो मुद्रा विज्ञान जो है, आज तक शायद पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया होगा। भगवान श्री हरि नारायण को सिद्ध करने के लिए, इनके तत्व को जानने के लिए, इनके तत्व को अपने शरीर में घटित करने के लिए, क्योंकि जो भी ब्रह्मांड में तत्व है वो सब आपके शरीर में है। जिस तत्व से ब्रह्मांड बना है उसी तत्व से आप बने हो। जितना विशेष ब्रह्मांड के देवी देवता ऋषि मुनि शक्तियां हैं, उतने ही विशेष आप हो, उससे कम या ज्यादा नहीं हो। हाँ, उन्होंने अपने तत्व को जाना, उसको जगाया, और हम लोग अपने तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, उस तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, जगा नहीं पा रहे हैं। श्री हरि नारायण को सिद्ध करने के लिए 19 प्रकार की मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। कितने प्रकार की? 19 प्रकार की। पद्म, वेणु, शंख, चक्र, गदा, श्रीवस्त्र इत्यादि, ऐसे 19 प्रकार की मुद्राएं हैं जिन मुद्राओं का उपयोग करके आप श्री हरि नारायण के तत्व को घटित कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। इसी प्रकार भगवान शिव की 10 मुद्राएं मानी गई हैं, जिसमें अक्षमाला मुद्रा है, जिसमें त्रिशूल मुद्रा है, जिसमें लिंग मुद्रा और योन मुद्रा भी शामिल है। ऐसे 10 प्रकार की मुद्राएं हैं जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार गणेश जी की 7 मुद्राएं मानी गई है तंत्र शास्त्र में। आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता को सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप साधक हो तो मुद्राओं का प्रयोग करके ध्यान पूर्वक बैठ के, एकाग्र होके, अपने अंदर गहराई में उतर के मुद्राओं का प्रयोग करके आप वो तत्व अपने अंदर घटित कर सकते हैं। जैसे गणेश जी की 7 मुद्राओं में दंत है, पाश है, अंकुश है, विघ्न है, परशु है, इस प्रकार 7 मुद्राएं हैं। इसी प्रकार जब हम चलते हैं आगे तो भगवती दुर्गा के 10 मुद्राएं मानी गई हैं। धनुष, पाश, अंकुश,
वर अभय ऐसे 10 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख तंत्र शास्त्र में भगवती दुर्गा के तत्व को सिद्ध करने के लिए माना गया है। इसी प्रकार भगवती सरस्वती की 5 प्रकार की मुद्राएं हैं, भगवती काली की 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, त्रिपुर सुंदरी की मुद्राएं हैं 10 प्रकार की। इसी प्रकार योग में 15 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है और जो योगी होते हैं वो 15 प्रकार की मुद्राओं का उपयोग करते हैं। काली और तारा में महाभूतनी, मुंड, योनि जिसे महायोनि कहते हैं, ललिहा, इस प्रकार की मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप मुद्रा का उपयोग करें, जैसे भगवती महासरस्वती का एक मुद्रा है व्याख्यान मुद्रा, जो आप लोग महात्मा बुद्ध के हाथों में देखते होंगे, 3 उंगली सीधी, एक अंगूठा इसमें स्पर्श किया जाए, इस मुद्रा को कहते हैं व्याख्यान मुद्रा। इस मुद्रा का उपयोग करने से आपका वाक वाणी सिद्ध होती है, आपके मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार बढ़ता है, आपका मस्तिष्क जो है ज्ञान को एक्सेप्ट करने लगता है। क्योंकि हमारे पूरे शरीर के जितने भी तंत्र संरचना है, बहुत लोग तंत्र को मानते हैं कि भूत प्रेत से देखते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे शरीर के विज्ञान में बताया जाता था एक तंत्र संरचना है, तंत्र विज्ञान है, पूर्णता विज्ञान है। तंत्र वर्क करता है आपके शरीर पे, आपके नसों पे, प्रकृति पे वर्क करता है। तंत्र को आप प्रकृति कह सकते हैं, तंत्र क्रिया है, प्रकृति और क्रिया का कोई भी धर्म नहीं होता। कोई कह नहीं सकता ये संपूर्ण पृथ्वी जो प्रकृति है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्रकृति तंत्र है। विज्ञान को कोई अपने धर्म से नहीं जोड़ सकता, क्योंकि क्रिया है। किसी भी वस्तु का सुसंगठित, सुविकसित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो चाहे किसी धर्म शास्त्र का आपको ज्ञान हो तो भी वो विज्ञान में आएगा, आप धार्मिक नहीं कहलाओगे। क्योंकि जिस चीज को आप सूक्ष्मता से जानना शुरू कर दिए, आप उसके सिद्ध बन गए। सिद्ध का मतलब ही होता है किसी भी तत्व को गहराई से जानना, उसका गुण, उसका स्वभाव जानना, उसकी क्रिया क्या होती है, इसको जानना ही सिद्धि कहलाती है। अब बहुत सारे लोग हनुमान जी सिद्ध है, परचा बनाते हैं, काहे का हनुमान जी आके परचा बनाएंगे, हनुमान जी नौकरी भी रखते हैं, क्या किया कि हनुमान जी चित्रगुप्त हो गए हैं, सबका लेखा जोखा कर रहे हैं। कहते हैं भगवती आती है जो देवी बन के घूमती है, सर घुमाते हैं, आधे ज्यादा मनोरोगी है, न इनको मुद्रा का पता है, न इनको तंत्र के विज्ञान का पता है, न इनको तंत्र शास्त्र पता है, न जीवन में कभी उल्डीस तंत्र, गुरु तंत्रम, न तो कभी तंत्र विद्याओं का इनको पता है, न तंत्र की क्रियाओं का पता है, न इनको विज्ञान भैरव तंत्र का पता है, न इनको सांसों के आने जाने के बीच की अवधि क्या होनी चाहिए उसके विषय में इनको नहीं पता है, न इनको देवी के विषय में भी नहीं पता है। जो कहते हैं कि देवी जो नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ही प्रकट हो ही मैं जाना, प्रकृति ऊर्जाएं समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है अदृश्य रूप में, और ये प्रेम ही प्रकट, यहां पे जो भगवान शिव के है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ही प्रकट हो ही मैं जाना, इसका आप 2-3 तरीके से अर्थ लगा सकते हैं कि अगर आप मूर्ति पूजक है तो उस मूर्ति में प्रेम है इसलिए उसमें प्रकट होते हैं। लेकिन जब तंत्र की बात आती है तो तंत्र विज्ञान ये कहता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर अर्थात ऊर्जा सर्वत्र है, प्रेम ही प्रकट हो ही मैं जाना। अगर आप उसके विज्ञान को जानते हैं तो आप ऊर्जाओं का उपयोग कहीं पे भी कर सकते हैं, वो सर्वत्र है, सर्वत्र है। हाँ, लेकिन ये झूमने वाला, ये सब मनोरोग के भी लक्षण हो सकते हैं, और कहीं कहीं हमने कुछ केसों में देखा है कि वास्तव में भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये चीजें होती है, वेद प्रमाण है, अथर्ववेद में प्रेतों के ऊपर काफी सारे सूक्त दिए गए हैं, पितरों के ऊपर दिए गए हैं, तंत्र शास्त्रों में उनका उल्लेख है, भगवान शिव अपने मुख से उद्दीष तंत्र में इसका उल्लेख किए हुए हैं, इसका मंत्र दिया गया है।
नाथ संप्रदाय में गुरु गोरक्षनाथ, नवनाथ, 84 सिद्धों ने बहुत सारे मंत्र बनाए हैं भूत प्रेतों को भगाने के लिए, हटाने के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, यदि ये चीज है ही नहीं तो महायोगी नाथों ने जो आयुर्वेद के, योग के, हठ योग के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने इसकी रचना क्यों की? कहीं न कहीं है, लेकिन इसको गलत स्वरूप में पेश किया जा रहा है, गलत स्वरूप में। इससे बचना होगा और तंत्र की महत्ता, तंत्र के विज्ञान को समझना होगा। तंत्र कभी कभी बहुत तेजी से वर्क करता है, कभी कभी बहुत समय ले लेता है, इसलिए तंत्र में धैर्य रखना अनिवार्य है। तंत्र निरंतर अभ्यास की चीज है। योग, आयुर्वेद, मुद्राएं, मंत्र, तांत्रिक मंत्र, विधि विधान, मुहूर्त और समय, इन सब का समन्वय जब किसी विशेष मौके पर होता है और ये सारी चीजें उपस्थिति होती है, तब यदि आप संकल्प के साथ किसी के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं, तंत्र विद्याओं का प्रयोग करते हैं, तो वो ऊर्जाएं निश्चित रूप से कार्य करती हैं, इसमें भी किंचित मात्र का संदेह नहीं है। लेकिन एक क्रिया करने से पहले आपको ज्योतिष में देख लेना चाहिए, समझना चाहिए कि इनके अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादश या मार्केश की दशा, महादशा, अंतरदशा तो नहीं चल रही है। जब प्रकृति ही मार रही है तो बचा नहीं सकते, सिर्फ उपाय करके थोड़ा बच सकते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना हस्त मुद्राओं का विज्ञान, अलग अलग देवियों के लिए, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख है। यदि आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप बैठ के मुद्राओं का उपयोग करके अपने अंदर झांक के सांसों को गहरा लेना है, नाभि तक लेके जाना है, और मुद्राओं का उपयोग करते हुए उस समय तक समय व्यतीत करने से अवश्य ही, क्योंकि मुद्राएं भी तंत्र का एक भाग है और आपका शरीर भी तंत्र संरचना से बना है, तो इसलिए उस मुद्राओं का प्रभाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ेगा। और जैसा आपका शरीर होगा वैसी आपकी औरा होगी, वैसा आपका तेज होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।